तो क्या आप जानते हैं मिसाइल शक्ति में भारत को टक्कर देना किसी दूसरे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। और इसी रीजन के चलते आज के समय में चाइना के लिए सर दर्द बनी पड़ी है भारत की बनी ब्रह्मोस मिसाइल। खैर मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, दरअसल मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अर्मेनिया अजरबैजान का जो काफी पॉपुलर युद्ध आपने सुना ही होगा, इसमें अर्मेनिया ने अब भारत को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। ये भारत के हथियार, खूंखार हथियारों को खरीदना चाहता है। एक तरफ जहां अजरबैजान चला गया अमेरिका के 1.6 बिलियन डॉलर के फाइटर जेट्स खरीदने के लिए, तो वही अर्मेनिया ने सोचा कि इन फाइटर जेट्स को गिराने के लिए हम भारत की सरफेस टू एयर मिसाइल्स का यूज करेंगे और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है भारत की बनी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का। आकाश मिसाइल क्यों इतनी पॉपुलर है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ मार गिरा सकता है, ऑल वेदर कैपेबिलिटी है, कोई वेदर का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मोबिलिटी भी बहुत इजीली हो जाती है, डिप्लॉयमेंट काफी तेज है। ये इतने सारे मल्टीपल टारगेट्स को एंगेज कर सकती है एक साथ, जिसमें फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, कोई भी हमारी आकाश मिसाइल से बच नहीं सकता। बस एक इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए तो वो है रेंज की। अभी हमारे पास जो करंट आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है तो उसकी रेंज है 30 किलोमीटर की, लेकिन भारत 2026 तक एक आकाश एनजी वेरिएशन भी निकाल रहा है जिसकी रेंज है 45 किलोमीटर। लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि एटलीस्ट 100 किलोमीटर की रेंज तो होनी ही चाहिए। बस यही हमारी आकाश मिसाइल की खूबियों ने अर्मेनिया को बहुत ज्यादा लुभा दिया है और अब अर्मेनिया भारत के खूंखार हथियारों और साथ में फ्रेंच इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है। अब अर्मेनिया देश ने भी तारीफ की है, इन्होंने कहा कि भारत की जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है ये हर टारगेट को डिटेक्ट करके ऑटोमेटिकली किल कर देता है, चाहे हेलीकॉप्टर हो, यूएवी हो, ड्रोन हो, कोई भी इससे बच नहीं सकता और ये हमारे लिए एक ब्रह्मास्त्र का काम कर सकता है। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को तो कौन नहीं खरीदना चाहता, 12 कंट्रीज ने लाइन लगा दी है। हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल की इतनी ज्यादा मैसिव डिमांड आई है कि अब मार्च के एंड तक तो हम फिलीपींस को डिलीवर भी करने वाले हैं। साथ ही में 12 और कंट्रीज भारत के साथ बातचीत में लगी हुई है क्योंकि उनको भी चाहिए ब्रह्मोस जैसी सुपर क्रूज मिसाइल सिस्टम। तो वाकई में भारत की मिसाइल शक्ति को तो मानना ही होगा, इसमें काफी हद तक हाथ हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का भी है और हमारी यही सब घातक मिसाइल ने चीन की भी नींदें उड़ा के रखी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट्स में जय हिंद लिखना तो बनता ही है।